हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिक्स जैसा कि आप जानते हो स्टडी ऑफ लाइट है, तो इस चैप्टर में हम रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। लाइट जब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, ओके, और फिर नेक्स्ट चैप्टर में लाइट को एज अ वेव ट्रीट करेंगे और वे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे, ओके। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पैराग्राफ से। नेचर हैज़ इंडाउड द ह्यूमन आई रेटिना विद द सेंसिटिविटी टू डिटेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद इन अ स्मॉल रेंज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैसा कि आप जानते हो, ओके, चाहे रेडियो वेव्स है, सबसे पहले अगर याद करनी अगर इसको याद रखना है आपको, वैसे मैंने आप चैप्टर नंबर 8 में बताया था आपको, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को याद रखना है तो उसे याद रख सकते हो, देखो कैसे। रिच मैन इन वेनिस यूजेस एक्स्ट्रा गोल्ड, ठीक है। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, और यहाँ एक्स रेस, और ये गामा रेस। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ओके। इसमें हम बस हमारी आइज को किसको देख सकते हैं, ह्यूमंस, बस विजिबल लाइट को, ठीक है। ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम नहीं देख सकते, ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन बिलोंगिंग टू दिस रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम वेवलेंथ ऑफ अबाउट 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर इज कॉल्ड लाइट, ठीक है। इसी को हम लाइट बोलेंगे जो विजिबल स्पेक्ट्रम में देख सकते हैं, और किस रेंज में होते हैं कि वेवलेंथ 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर, ओके। इट इज मेनली थ्रू लाइट एंड द सेंस ऑफ विजन दैट वी नो एंड इंटरसेप्ट द वर्ल्ड अराउंड, और इसी लाइट की वजह से हम अपनी हम देख सकते हैं चीज़ों को और इंटरप्रेट कर सकते हैं वर्ल्ड को अपने आसपास। सो नाउ देर आर टू थिंग्स डैट वी कैन intuitively mention about light from common experience. First, that it travel with enormous speed, and second, it travel in a straight line. ठीक है, तो दो चीज़ें हम बहुत ईजिली बता सकते हैं लाइट के बारे में, जो अपनी आस अपनी ऑब्जर्वेशन से, कॉमन ऑब्जर्वेशन से ही, ठीक है, कि लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा है, ओके। और दूसरी बात, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। आप बचपन से पढ़ते हो, जैसे ओपेक ऑब्जेक्ट रख देते सामने तो उसकी शेडो बन रही है, ठीक है, शेडो बन रही है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट है जिससे हम प्रूव कर सकते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ओके। इट टुक सम टाइम फॉर पीपल टू रियलाइज दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज़ फाइनाइट एंड मेजरेबल, ठीक है। इट प्रेजेंटली एक्सेप्टेड वैल्यू इज़ वैक्यूम, और कुछ टाइम लगा लोगों को ये समझने में, खासकर फिजिसिस्ट को, कि लाइट को हम की स्पीड को हम फाइनाइट है, उसको हम मेजर कर सकते हैं। और लाइट की स्पीड कितनी आई, 2.9979245 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसको हम अप्रॉक्सीमेटली यूज़ के लिए अपने, ठीक है, कितना मान सकते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ द हाईएस्ट स्पीड अटेनेबल इन नेचर, और पूरे नेचर में सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है, तो लाइट की स्पीड ही सबसे ज़्यादा है, ओके। नाउ द इंट्यूटिव notion that light travels in a straight line seems to contradict that we have learned in chapter number 8 that light is an electromagnetic wave of wavelength belonging to the visible part of the spectrum, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, जो हमें दिखाई भी देती है, ओके, शेडो फॉर्मेशन, जो भी चीज़ है, ठीक है। लेकिन चैप्टर नंबर 8 में तो हमने क्या बोला था, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि वेव नेचर है उसका, तो फिर वो स्ट्रेट लाइन में कैसे ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। हाउ टू रिकॉन्सिल द टू फैक्ट, द आंसर इज दैट द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑर्डनरी ऑब्जेक्ट डैट वी एनकाउंटर कॉमनली, जनरली ऑफ द ऑर्डर ऑफ अ फ्यू सेंटीमीटर और लार्जर। इन दिस सिचुएशन एज यू लर्न इन चैप्टर 10, अ लाइट वेव कैन बी कंसीडर्ड टू ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन अ स्ट्रेट लाइन। उसका आंसर है कि जो लाइट की वेवलेंथ है वो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट्स अराउंड, जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है हमारे आसपास, उसकी वेवलेंथ, उसकी लेंथ जो है, उसकी डायमेंशन लाइट की वेवलेंथ से काफ़ी कम है, इसलिए हमें लाइट का वेव नेचर शो नहीं होगा, ओके। लेकिन अगर क्या हो जाए, जो डायमेंशन हो जाए ऑब्जेक्ट की, वो छोटी हो जाए, कंपेरेबल हो जाए लाइट की वेवलेंथ से, तब हमें लाइट का वेव नेचर दिखाई देगा, ठीक है। इसको हम वेव ऑप्टिक्स में देखेंगे, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स में हम डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस जो देखेंगे वो वेव नेचर से देखेंगे जब, लेकिन साइज़ क्या होना चाहिए ऑब्जेक्ट का, वो कंपेरेबल होना, छोटा होना चाहिए, इतना छोटा कि वेवलेंथ जितना होना चाहिए लाइट के ऑब्जेक्ट जितना, ठीक है, लाइट की वेवलेंथ जितना, ओके। सो इन दिस सिचुएशन एज यू विल लर्न इन चैप्टर 10, अ लाइट वेव कैन बी कंसिडर टू बी ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग देम, ठीक है। तो लाइट वेव हमें कैसे दिखाई देती है, लाइट वेव इन अ स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हुई दिखाई देगी, है ना। इतनी छोटी वेवलेंथ है तो हमें ऐसा लगेगा कि एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है वेव, ओके। नाउ द पाथ इज कॉल्ड अ रे, और इसी को क्या बोलेंगे, इस पाथ को ही, जिस पाथ में लाइट ट्रेवल करती है, लाइट वेव ट्रेवल कर रही है, इसको ही हम क्या बोलेंगे,
रे ऑफ लाइट बोलेंगे, एंड अ बंडल ऑफ सच रेस कंस्टिट्यूट अ बीम ऑफ लाइट, और ऐसी सारी बहुत सारी रेस को हम क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें वेव नेचर स्टडी नहीं करना, हमें बस क्या देखना है, रे नेचर स्टडी करना है, ठीक है, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। ओके, इन दिस चैप्टर वी कंसिडर द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट यूजिंग द रे पिक्चर ऑफ लाइट। ठीक है, तो इन रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन डिस्पर्सन को हम रे पिक्चर्स ऑफ लाइट से स्टडी करेंगे। यूजिंग द बेसिक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वी शैल स्टडी द इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन एंड स्पेरिकल मिरर। ठीक है, और प्लेन मिरर स्पेरिकल मिरर जैसा आप क्लास 10 में भी पढ़ चुके हैं उसको हम समझेंगे, इस इमेज फॉर्मेशन को देखेंगे। इसके बाद देन वी गो ऑन टू कंस्ट्रक्शन ऑफ एंड वर्किंग ऑफ सम इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग द ह्यूमन आई। ठीक है, तो ह्यूमन आई में और माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप में इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है उसको भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आगे की बात करते हैं। थैंक यू।